मेनली आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पिरामिड से रिलेटेड। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं एनर्जी पिरामिड के बारे में। तो एक जनरल एनर्जी फ्लो की बात करें तो हमेशा ही ट्रॉपिक लेवल जब हम देखते हैं तो लोअर ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी हमेशा हायर ट्रॉपिक लेवल में ट्रैवल करती है। और ट्रैवलिंग का सोर्स क्या होता है कि जब दैट इज सबसे ऊपर वाला ऑर्गेनिज्म अपने से नीचे वाले ऑर्गेनिज्म को फीड कर रहा होता है तो वो उससे कुछ एनर्जी ले रहा होता है। लेकिन सीधी सी बात है, सबसे पहले इस वाले ऑर्गेनिज्म ने यहाँ से फीड किया होगा तो इसको एनर्जी मिला होगा, फिर ऊपर वाले ऑर्गेनिज्म ने इसे फीड किया होगा फिर इसे एनर्जी मिला होगा, फिर सबसे ऊपर वाले ने इसको फीड किया होगा फिर इसे एनर्जी मिला होगा। तो एक्चुअल में होता क्या है कि एनर्जी का कंसेप्ट क्या है कि जब भी सबसे नीचे ट्रॉपिक लेवल वाले को जितना भी एनर्जी मिलता है उसका वो सिर्फ 10% अपने से ऊपर वाले को ट्रैवल करता है, ऊपर वाले को देता है। और जो 10% इसके पास आया है इसका भी 10% सबसे ऊपर वाले को मिलता है और इसका भी 10% ऊपर वाले को मिलता है। मतलब हर एक लेवल में सिर्फ 10% का ट्रैवलिंग देखा जाता है, उससे ज्यादा का नहीं है। एंड दैट इज वॉट कॉल द 10% लॉ। ओके, तो ये हो गया एनर्जी फ्लो का कंसेप्ट। जैसे कि अगर प्लांट को भी मिल रहा है तो प्लांट को जब हर्बीवोर खाता है तो 1000 का सिर्फ 10% उसको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 1000 का हर्बीवोर अगर खा रहा है तो 1000 का आप 10% ले लीजिए। उसके बाद उस जो हर्बीवोर को कार्निवोर खाएगा उसको 10% का भी 10 जूल का भी 10% मिलेगा। तो इस तरीके से सारा का सारा यहाँ पे कंसेप्ट देखने को मिलता है। तो इस ढंग से जो है यहाँ पे आपको हर एक लेवल का 10% देखने को मिल जाएगा। जो भी मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे 100 हम लेते हैं, अगर आप इसको 100 लेते हैं तो इस ढंग से आप इसको टैली कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में मैंने गड़बड़ लिख दिया है, आप इसको नॉर्मली ले सकते हो, इसको सिर्फ 100 ले दीजिए। ठीक है, और अगर आप 100 लेते हैं तो आपका ये जो वैल्यू है ये लगभग हो जाएगा 90 and 10 का। ठीक है, तो इस ढंग से जो है दैट इज 10% लॉ का कंसेप्ट देखने को मिलता है। दैट इज एनर्जी फ्लो एट ईच सक्सेसिव लेवल इज 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल। ओके, तो जब पिरामिड की बात करते हैं तो देर आर सो मेनी डिफरेंट पिरामिड्स। पिरामिड्स के फॉर्म में हम अलग अलग बेसिस पे ऑर्गेनिज्म का एक स्टेटस बता सकते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म का नंबर कितना है, उसका बायोमास कितना है, वो कैसे एनर्जी को ट्रैवल करवाता है, ये सब चीजों को हम एक साथ मिलाकर पिरामिड के फॉर्म में पढ़ते हैं। पिरामिड को जब भी आप देखोगे तो वो एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, इस टाइप से आपको बना हुआ दिखेगा। ये जो हर एक हॉरिजॉन्टल बार होते हैं वो ट्रॉपिक लेवल को बताते हैं। और जितना ज्यादा इसका लेंथ होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ ईच बार क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ईच ट्रॉपिक लेवल, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल को बताता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में। पिरामिड ऑफ नंबर का जब आप मैक्सिमम टाइम पे देखते हो वो अपराइट मिलता है। अपराइट का मतलब क्या हुआ, सबसे नीचे ट्रॉपिक लेवल वाला ऑर्गेनिज्म का नंबर हमेशा ज्यादा होगा, उसके ऊपर वाले का नंबर उससे कम होगा, उसके ऊपर वाले का उससे कम, सबसे ऊपर वाले का सबसे कम। ठीक है, तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि हम ऑर्गेनिज्म का टोटल नंबर देखते हैं एट ईच ट्रॉपिक लेवल। सीधी सी बात है, जैसे कि अगर हम प्लांट की बात करें या ग्रासलैंड की बात करें, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देके रखा है पिरामिड ऑफ नंबर का, वेरी ऑब्वियस जो ग्रास का नंबर होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द ग्रास हॉपर्स। ग्रास हॉपर्स जो ग्रास पे फीड करते हैं उनका नंबर ग्रासेस से कम होगा। ग्रास पे फीड करने वाले होते हैं माइस, तो माइस का नंबर ग्रास हॉपर्स पे फीड करने वाले होते हैं माइस, तो माइस का नंबर ग्रास हॉपर से कम होगा। माइस पे अगर फीड करने वाले होते हैं स्नेक, तो स्नेक का नंबर माइस से कम होगा। और इस तरीके से जो है दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर चलता है। तो मैक्सिमम टाइम पे पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट देखा जाता है। सो मैक्सिमम अपराइट पिरामिड, अपराइट यानी इस टाइप का, यानी ज्यादा से कम की तरफ, ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको वहां पे लेस नंबर देखने को मिलेगा। एज प्रोड्यूसर आर ऑलवेज मोर, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होते हैं एक इकोसिस्टम में वो अक्सर ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कुछ एक्सेप्शन के साथ कि पिरामिड आपको अपराइट ना मिलकर इन्वर्टेड मिलता है। इन्वर्टेड कैसा होता है, ये होता है इन्वर्टेड, यानी अपराइट का पूरा उल्टा। सो मोस्ट इकोसिस्टम लाइक ग्रासलैंड इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर आर अपराइट बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेस एट सक्सेसिवली हायर ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में चढ़ते जाते हैं ऊपर की तरफ जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होते जाते हैं।
लेकिन देर आर सम एक्सेप्शंस लाइक पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी इन्वर्टेड. ये रहा इन्वर्टेड. ऐसा कब होता है? जब आप एक पैरासिटिक इकोसिस्टम देखते हो. पैरासिटिक इकोसिस्टम में हम क्या करते हैं, प्रोड्यूसर में एक ट्री को कंसीडर करते हैं. वेरी ऑब्वियस, एक ट्री पे फीड करने वाले बहुत से, मतलब कि एक पैरासिटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो सिर्फ ट्री को कंसीडर करते हैं. अब ट्री पे फीड करने वाले जो हर्बीवोर होते हैं वो उनसे ज्यादा पाए जाते हैं. हर्बीवोर इन द सेंस लाइक गोट हो गया, एलिफेंट हो गया, रैबिट हो गया, डियर हो गया, ये सब क्या हो गया, सब हर्बीवोर हो गए. तो सबको कलेक्टिवली जब आप मिलाते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं. और पैरासाइट जो उस हर्बीवोर की बॉडी पे पाए जाएंगे वो उनसे भी ज्यादा होते हैं. तो इस केस में क्या हो जाता है, पिरामिड ऑफ नंबर हमें इन्वर्टेड मिल जाता है. तो जनरली जैसे कि देखा जाए ग्रास लैंड के कंपैरिजन में, तो जैसे कि हम सबसे नीचे वाले को बोलते हैं प्रोड्यूसर, उसके ऊपर वाले को प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर. तो मैक्सिमम टाइम जैसे कहा गया है कि अप राइट पिरामिड देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर कुछ इस ढंग से वैरी करेगा. लोअर लेवल ये रहा, हायर लेवल ये रहा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होगा, जैसे कि ग्रास लैंड में होता है. लेकिन एक्सेप्शन जैसे कि आपको बताया गया है वो भी हम देखेंगे. पहले इकोसिस्टम, जैसे कि जो हमने ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहा, इसमें अपराइट पिरामिड देखने को मिलता है, क्योंकि प्रोड्यूसर ग्रास होता है, हर्बीवोर में ग्रास ऊपर चले आते हैं, उसके ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल में माइस चला आता है, उसके ऊपर वाले में स्नेक चला आता है. अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें तो पॉन्ड इकोसिस्टम का भी अपराइट पिरामिड हमें देखने को मिलता है, यानी फाइटोप्लैंक्टोन का नंबर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द जू प्लैंक्टोन. जू प्लैंक्टोन का नंबर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द स्मॉल फिश, एंड स्मॉल फिश का नंबर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द लार्ज फिश. तो इसीलिए क्या होता है, कंपैरेटिव बेसिस पे ये हमें एक अपराइट पिरामिड फॉर्म में देखने को मिलता है. नेक्स्ट आता है अगेन पिरामिड ऑफ नंबर. ये हमने दो टाइप देखा, मतलब दो एग्जाम्पल देखे, ठीक है. तीसरा एग्जाम्पल आता है स्पिंडल पिरामिड, स्पिंडल शेप, ठीक है. ये होता है स्पिंडल शेप. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रोड्यूसर को, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था जो डायग्राम, वो कुछ ऐसा ही था. तो इसे हम फॉरेस्ट या फिर ट्री इकोसिस्टम कह सकते हैं. मेनली हम इसको फॉरेस्ट के तौर पे लेते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट पे जब आप इसको कंसीडर करते हो तो देखने वाली चीज है यहाँ पे कि अगर प्रोड्यूसर है उस फॉरेस्ट में हर्बीवोर बहुत सारे पाए जाते हैं, डियर, गोट, रैबिट, एलिफेंट और भी बहुत सारे. वो सारे हर्बीवोर क्या करते हैं, उन्हीं ट्रीज पे फीड करते हैं जो उस एरिया में पाया जा रहा है. तो वेरी ऑब्वियस उन हर्बीवोर्स के कंपैरिजन में ट्री का नंबर कम कम देखने को मिलेगा कंपैरेटिव बेसिस पे. अब इन हर्बीवोर्स पे जो फीड करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं वो इनसे कम होंगे, जैसे कि हो गया वुल्फ या स्नेक, इनका नंबर कम देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू दीज नंबर ऑफ डिफरेंट हर्बीवोर्स. और सेकेंडरी कंज्यूमर पे जो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं वो फीड करते हैं और उनका नंबर उनसे भी कम होता है, जैसे कि हो गया लायन या टाइगर. इसकी वजह से हमें ये जो शेप देखने को मिलता है दैट इज अ स्पिंडल शेप, एंड हेंस वी कॉल इट एज अ स्पिंडल पिरामिड. तो ये देखने को मिलता है फॉरेस्ट ऑब्लिक ट्री इकोसिस्टम, आप इसे कह सकते हैं. फोर्थ एग्जाम्पल आता है पिरामिड ऑफ नंबर का, जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड, यानी ये पूरा उल्टा है, अपराइट का पूरा उल्टा. ये कब होता है, जब हम प्रोड्यूसर को कंसिडर करते हैं, सिर्फ एक ट्री को कंसिडर कर रहे होते हैं. तो इसको हम बोलते हैं पैरासिटिक इकोसिस्टम या पैरासिटिक पिरामिड, आप कह सकते हो इसे पिरामिड ऑफ नंबर. तो इस पे हम लोग कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए एक ट्री है दैट इज एक्टिंग एज अ प्रोड्यूसर. अब उस एक ट्री पे जो हर्बीवोर फीड करेंगे, यानी फ्रूट ईटिंग बर्ड, हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे पैरासिटिक इकोसिस्टम की. तो एक ट्री को कंसिडर किया, वेरी ऑब्वियस वो एक है तो नंबर उसका कम हुआ. उस पे फीड करने वाले फ्रूट ईटिंग बर्ड वहां विजिट करते हैं, बहुत सारी बर्ड होती हैं. तो एक ट्री पे जब बहुत सारी बर्ड आएंगी तो वेरी ऑब्वियस वो ट्री से तो ज्यादा हो गई, तो उनका नंबर हाई होगा. इसलिए थोड़ा सा आपको ये ब्रॉड देखने को मिल रहा है, ये वाला ट्रॉपिक लेवल. इसके बाद क्या होगा, इन हर्बीवोर की बॉडी पे छोटे छोटे से पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि बॉडी में पाए जाने वाले बग्स, लीश, जो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं दैट इज बॉडी पे, जैसे हम मेनली पैरासाइट कहते हैं. वो पैरासाइट हमें फ्रूट ईटिंग बर्ड पे देखने को मिलेगा. अब सीधी सी बात है, फ्रूट ईटिंग बर्ड तो बहुत सारी थी, एक की बॉडी पे अगर मान लीजिए 100 पैरासाइट्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो अगर वहां पे 10 बर्ड भी हैं तो फिर इसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा पैरासाइट हो जाएंगे. तो इस हिसाब से इसका नंबर नीचे वाले से भी ज्यादा हो गया. और सबसे ऊपर आते हैं हाइपर पैरासाइट.
मतलब कि जैसे कि हो गया बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा। तो ये बैक्टीरिया फंजा क्या करते हैं, ये लीश या बग जो कि बर्ड की बॉडी पे प्रेजेंट है उनमें प्रेजेंट रहते हैं, यानी ये पैरासाइट के भी पैरासाइट है, इसलिए इनको बोला गया हाइपर पैरासाइट। एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस, हाइपर पैरासाइट है तो उनका नंबर और भी ज्यादा होगा। एंड दैट इज वाई वी यूज टू गेट द इन्वर्टेड पिरामिड, क्योंकि सबसे नीचे वाले का नंबर सबसे लो देखा जा रहा है एंड सबसे ऊपर वाले का नंबर हाई देखा जा रहा है, इसलिए हमें ये जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है पिरामिड ऑफ बायोमास। तो सबसे पहले जानना जरूरी होता है बायोमास क्या होता है। बायोमास हम टोटल मास को कहते हैं, ड्राई मास आप कह सकते हो, टोटल ड्राई मास। सो पिरामिड ऑफ बायोमास रिप्रेजेंट टोटल ड्राई वेट ऑफ लिविंग बींग ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एट ईच ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम। इट इज यूजुअली डिटरमाइंड बाई कलेक्टिंग ऑल द इंडिविजुअल्स ऑक्यूपाइंग ईच ट्रॉपिक लेवल सेपरेटली एंड मेजरिंग देयर ड्राई वेट। तो ऑर्गेनिज्म का एक ड्राई वेट देखा जाता है, अगर उसमें से आप वाटर को रिमूव कर दो तो उसका ड्राई वेट कितना आ रहा है, दैट इज व्हाट कॉल्ड द बायोमास। जनरली द बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर इज मच ग्रेटर देन द हर्बीवोर। तो जनरली जनरल बेसिस पे देखा जाता है कि प्रोड्यूसर का जो बायोमास होता है वो हर्बीवोर से काफी ज्यादा होता है, एंड बायोमास ऑफ हर्बीवोर इज ग्रेटर देन द कार्निवोर्स एंड सो ऑन। और कार्निवोर्स का बायोमास हर्बीवोर से क्या होता है, दैट इज हर्बीवोर्स का बायोमास कार्निवोर्स से ज्यादा होता है। यानी जो हमें बातें समझ में आ रही हैं कि प्रोड्यूसर का ज्यादा है उससे कम हर्बीवोर का, हर्बीवोर से भी कम कार्निवोर का है, यानी यहाँ भी लगभग हमें जो है अपराइट पिरामिड मिलना चाहिए। बट क्या एक्चुअल में ऐसा होता है वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया गया है, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में बोला गया, जैसे कि मान लेते हैं ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड में जब आप ग्रास का ड्राई वेट देखोगे तो ऑब्वियसली उसका वेट ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर आप ग्रास ऊपर का वेट देखोगे ड्राई वेट, तो ग्रास ऊपर का ड्राई वेट ग्रास से कम मिलेगा। सिमिलरली माइस का ड्राई वेट ग्रास ऊपर से कम मिलेगा एंड स्नेक का ड्राई वेट माइस से कम मिलेगा, क्योंकि एक तो इनके नंबर की भी बात है यहाँ पे, साथ ही साथ इनके बॉडी का जो ड्राई वेट होता है उसकी भी बात है। कलेक्टिवली मिलाकर ऐसा ही कुछ अपराइट बेसिस पे, दिस इज व्हाट कॉल्ड अपराइट। ओके, अपराइट बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द पिरामिड। ओके, तो अगेन यहां भी वही कंसेप्ट बनता है, मैक्सिमम टाइम वी विल बी गेटिंग द अपराइट पिरामिड, यही प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं, देर इज सम एक्सेप्शन ऑल्सो। जैसे कि हो गया एक्वेटिक सिस्टम, इसे आप पॉन्ड सिस्टम कह सकते हो, लेक कह सकते हो, ओशन कह सकते हो। जब हम एक्वेटिक सिस्टम की बात करते हैं ना, तो हमें पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड मिलता है। ऐसा क्यों है? जबकि आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि हमने तो फाइटोप्लैंक्टन का नंबर बहुत ज्यादा देखा था पिरामिड ऑफ नंबर में, तो इनका वेट कम क्यों हो जाता है? बिकॉज मैक्सिमम जो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं दे आर सिंगल सेल। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का आप ड्राई वेट कितना ही कितना ही मिलेगा आपको, बहुत कम मिलता है। एंड दैट इज वाई जो यहाँ प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं जो कि होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, उनका जो ड्राई मास है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू दिस। और इनका ड्राई मास बहुत कम होता है, इसका इसका ड्राई मास ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस, इसका ड्राई मास सबसे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस। तो लार्ज फिश का ड्राई जो बायोमास होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है, उससे कम स्मॉल फिश का, उससे कम जू प्लैंकटन का, सबसे कम फाइटोप्लैंकटन का। एंड दैट इज वाई हमें इस बार जो पिरामिड मिलता है वो मिलता है इन्वर्टेड पिरामिड। तो एटलीस्ट जो एक्सेप्शंस है ना वो आपको याद रखना है। मैक्सिमम टाइम आपको पिरामिड में अपराइट ही मिल रहा है, लेकिन एक्सेप्शंस वो याद रखेंगे क्योंकि उसी एरिया में क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, तो आप उन सब चीजों को याद रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों पिरामिड को मैंने एक साथ रखा है, तीनों लाइक एक ही जैसा एग्जाम्पल शो कर रहे हैं, बट आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि ग्रास इकोसिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे वही चीज लिखी गई है कि अगर ग्रास पे कोई भी हर्बीवोर फीड कर रहा हो, ठीक है, तो उसका जो बायोमास होगा वो ग्रास से कम ही होगा, और ऐसे करके ऊपर की तरफ और सबसे ज्यादा कम होता जाएगा, तो हमें अपराइट ही मिलेगा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को तो मैं समझा चुकी हूँ, पॉन्ड इकोसिस्टम को भी आपको समझा दिया मैंने कि इन्वर्टेड ही मिलेगा अगर हम इस ढंग से देखें। तो मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन है तो इसका वेट 4 kg हो गया, जू प्लैंक्टन का 8 kg पाया जाएगा, स्मॉल फिश का 12 kg एंड लार्ज फिश का 20 kg, इस सॉरी 20 ग्राम बेसिस पे देखा जाएगा। तो इस ढंग से आप देख सकते हो कि हाँ, तो सबसे कम है वो प्रोड्यूसर का है, सबसे ज्यादा लार्ज फिश का है, एंड दैट इज वाई हमें जो है यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिल रहा है।
ओके, नेक्स्ट आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे पिरामिड के फॉर्म में देख लेते हैं। जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, ये हमेशा अपराइट होता है, चाहे कोई भी इकोसिस्टम का कोई भी इकोसिस्टम का आप एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आता। इनफैक्ट सारे ही इकोसिस्टम, जितना भी है, इंक्लूडिंग द एक्वेटिक इकोसिस्टम, सारे ही सिस्टम का यहाँ पे जो पिरामिड है वो अपराइट देखा जाता है। ओके, वापस से वही कंसेप्ट लगता है यहाँ पे। फाइन, अब आते हैं हम एज पिरामिड में। ये तो हमने इकोसिस्टम में जो पिरामिड पाए जाते हैं उनके बारे में हमने देख लिया। अब हम आते हैं एज के बेसिस पे पिरामिड को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सो इट गिव्स द स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन सच एज द मोर्टैलिटी एंड नेटैलिटी। ये एक्चुअल में एज पिरामिड हमें कितना डेथ हो रहा है एक पॉपुलेशन में, कितना बर्थ हो रहा है, इसके बारे में बताता है। मोर्टैलिटी इज डेथ एंड नेटैलिटी इज बर्थ। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच आर ऑल रफली ऑफ अ सेम एज इज कॉल्ड कोहट। तो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होगा जिसमें कि सिमिलर टाइप के एज ग्रुप देखे जाएंगे, उन्हें हम कोहट कहेंगे। एज डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस बोथ नेटालिटी एंड मोर्टैलिटी ऑफ द पॉपुलेशन। वेरी ऑब्वियस, एज के बेसिस पे अगर हम स्टडी करते हैं तो नेटालिटी एंड मोर्टैलिटी में डिफरेंस हो सकता है। एज स्ट्रक्चर कैन बी क्लासिफाइड इंटू थ्री कैटेगरी। एज के बेसिस पे हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं पिरामिड को। पहला है दैट इज द प्री रिप्रोडक्टिव यानी रिप्रोडक्शन से पहले का फेज। फिर आता है रिप्रोडक्टिव यानी रिप्रोडक्शन करने वाला फेज। फिर आता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी इसके बाद कोई रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाएगा। तो ये तीन टाइप के एज ग्रुप में हम इंडिविजुअल्स को डिवाइड करते हैं, और एज पिरामिड को भी तीन टाइप में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हो गया एक्सपैंडिंग, फर्स्ट हो गया एक्सपैंडिंग, सेकेंड इज स्टेबल एंड थर्ड इज डिमिनिशिंग। ओके, तो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन क्या है, जो कि बढ़ोतरी शो करे, जिसमें इंक्रीमेंट ज्यादा देखा जाए। जैसे कि ये आप पिरामिड देखिए, पूरा ट्रायंगल शेप में है, जिसमें कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज यहाँ है, रिप्रोडक्टिव यहाँ है, पोस्ट यहाँ है, यानी ओल्ड एज में रहने वाले लोग कम है। सबसे ज्यादा इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव फेज में देखे जा रहे हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, जहां पे बर्थ रेट बहुत हाई है, पॉपुलेशन का ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो रहा है, एंड ये पिरामिड शेप का हमें पिरामिड शेप में हमें देखने को मिला है। ठीक है, सेकेंड आता है स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो दोनों ही मतलब स्टेजेस में अप्रोक्स इक्वल देखा जा रहा है, राइट? जितना रिप्रोडक्टिव फेज में इंडिविजुअल से उतना ही प्री रिप्रोडक्टिव फेज में, इसलिए हम इसे स्टेबल मानते हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप ये वाला कौन सा है, ओल्ड एज ग्रुप कितना है, स्मॉल देखा जा रहा है, लेकिन ये दोनों इक्वल हो गया है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेल शेप पिरामिड। लास्ट आता है डिमिनिशिंग पॉपुलेशन। ठीक है, ये था एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन के लिए, ये था स्टेबल पॉपुलेशन के लिए, एंड ये है डिमिनिशिंग पॉपुलेशन के लिए। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगी पॉपुलेशन, यहाँ पे स्टेबल रहेगी, और यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज क्या है, बहुत कम है, तो लो बर्थ रेट होगा, जिसकी वजह से बर्थ रेट हम कह सकते हैं कि रिड्यूस्ड है। ठीक है, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रुप बहुत ज्यादा छोटे हैं, बहुत ज्यादा लो है, मतलब वहां पे पाए जाने वाले नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स काफी ज्यादा कम है, और पॉपुलेशन जो है इस वाले एज में ज्यादा देखी जा रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन ओल्ड एज में है, और ओल्ड एज में है तो वेरी ऑब्वियस ओल्ड एज में रहने वाले लोगों का जो फाइनल आप कह सकते हो स्टेज होता है, दैट इज अ डेथ। यानी इस पॉपुलेशन में डेथ ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू द बर्थ एंड रिप्रोडक्शन, और इसे हम कहते हैं अर्न शेप पिरामिड। तो ये हो गया एज पिरामिड का सारा कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज एक्सटिंक्ट कैसे होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं? तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि ये एक्सटिंक्शन होता क्या है। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि किसी भी स्पीसीज का पॉपुलेशन देख रहे हो तो उसका आखिरी मेंबर जब तक डिसअपियर ना हो जाए आप उसे एक्सटिंक्ट नहीं कह सकते हो। तो उस ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन में से लास्ट मेंबर का भी डिसअपियर होना जरूरी होता है फ्रॉम द अर्थ, तब हम उसे डिक्लेयर करते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो चुका है।
और टोटल जो है तीन टाइप के एक्सटिंक्शन प्रोसेस देखे जाते हैं, नेचुरल एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। अगर हम बात करते हैं नेचुरल एक्सटिंक्शन की, तो मान लीजिए कि कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन, कोई भी नेचुरल कैलामिटी, या फिर आप कह सकते हो नेचुरली जो होते हैं, ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट चेंज हुआ उसके बाद जो है उनका दैट इज डिसअपीयरेंस शुरू हो गया और वो एक्सटिंक्ट हो गए, और जो नए स्पीसीज आए उन्होंने क्या किया, वहां पर आकर खुद को रिप्लेस कर लिया पुराने वालों से, क्योंकि वो लोग बेटर एडेप्टेशन कर सकते थे। तो इसे तो हम कहते हैं नेचुरल एक्सटिंक्शन। सेकेंड होता है मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन अक्सर देखा जाता है कि किसी नेचुरल कैलामिटी के कारण हुआ, अचानक से किसी एरिया में आग लग गई, अचानक से कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, जिससे क्या होता है कि एक अनफेवरेबल कंडीशन जनरेट हो जाता है, और मास में यानी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनका एक्सटिंक्शन हो जाता है, उससे हम कहते हैं मास में एक्सटिंक्ट होना। थर्ड होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, यानी हम ह्यूमंस की एक्टिविटी के कारण जो एक्सटिंक्शन होते हैं, जैसे कि ओवर हंटिंग हो गया, ठीक है, इसके अलावा हम फॉरेस्ट को काट दे रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर दे रहे हैं, उसकी वजह से कितने ऑर्गेनिज्म अपना घर जो है वो लूज कर दे रहे हैं, तो दीज आर ऑल दी एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन प्रोसेस, यानी ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से मैन मेड एक्सटिंक्शन हम इसे कहते हैं, क्योंकि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को बहुत हार्म पहुंचा रहे हैं, और इस हार्म से बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना घर खो देते हैं, एंड दे विल लीड टू दी एक्सटिंक्शन स्टेज, बिकॉज उनको फिर जो अपने ही एरिया में स्पेसिफिक रहना चाहते हैं उनके लिए लगभग एक्सटिंक्शन का सिचुएशन जनरेट हो जाता है। सो देर आर सम प्रॉपर्टीज, अगर वो प्रॉपर्टीज किसी ऑर्गेनिज्म के पास है तो वो जल्दी एक्सटिंक्ट होगा। मेक श्योर सभी ऑर्गेनिज्म के पास बराबर की प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, किसी के पास एक्सटिंक्ट होने की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है और वो जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, किसी के पास एक्सटिंक्ट होने की कैपेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी बहुत लो होती है और वो लेट एक्सटिंक्ट होते हैं। लेकिन ये इस चीज पर डिपेंड करती है कि वो प्रॉपर्टीज हैं क्या। तो मैं आपके सामने कुछ यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर रही हूँ, वो पॉइंट या वो फीचर्स अगर किसी ऑर्गेनिज्म में है तो वो क्या करेगा, वो उस ऑर्गेनिज्म को जल्दी एक्सटिंक्ट करवा देगा। ओके, दीज कैरेक्टर विल बी सपोर्टिंग द हायर एक्सटिंक्शन रेट। जैसे कि ऑर्गेनिज्म का लार्ज बॉडी साइज होना, अगर एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज बहुत ज्यादा लार्ज है तो वो ज्यादा फूड कंज्यूम करेगा, वो ज्यादा उसको स्पेस की जरूरत होगी, उसको ज्यादा एनर्जी भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और ये सब चीजें क्या होती हैं, कॉस्टली साबित होती हैं, यानी उसको अपने सर्वाइवल के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और अक्सर ऐसे ऑर्गेनिज्म को देखा जाता है कि वो अपनी नीड पूरी नहीं कर पाते हैं और उनका एक्सटिंक्शन हो जाता है। सेकेंड, स्मॉल पॉपुलेशन, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन बहुत स्मॉल है, मान लीजिए कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो देयर इज हाईएस्ट चांसेस कि छोटा पॉपुलेशन साइज होने के कारण उनका एक्सटिंक्शन होने का रेट हाई हो जाता है। लो रिप्रोडक्टिव रेट, यानी ज्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे नहीं तो अपने पॉपुलेशन को जल्दी बढ़ाएंगे नहीं, जल्दी बढ़ाएंगे नहीं तो पॉपुलेशन साइज छोटी रह जाएगी, तो अगर उनका रिप्रोडक्टिव रेट बहुत स्लो है तो भी खतरा होता है कि वो जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। फोर्थ, फीडिंग एट अ हाई ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन। फूड चेन में अगर कोई ऑर्गेनिज्म हाई ट्रॉपिक लेवल में फूड फीड कर रहा है तो उसको बहुत ज्यादा टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन मिलता है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही समझाया था बायो मैग्निफिकेशन, तो यहाँ पे जो है बायो मैग्निफिकेशन का केस देखने को मिलता है। सबसे हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे फीड कर रहे ऑर्गेनिज्म को सबसे लो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है एंड हाई अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी मिलता है, एंड दैट इज वाई अगर कोई ऑर्गेनिज्म सबसे हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे फीड कर रहा है तो उसको ये दोनों चीजों को फेस करना पड़ेगा, एंड दैट कैन रिजल्ट इन टू द एक्सटिंक्शन, अर्ली एक्सटिंक्शन। फिफ्थ, अगर उनका माइग्रेटरी रूट फिक्स्ड है तो उनको उनको फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। उनका उनका अगर एक ही माइग्रेटरी रूट है और वो किसी और एरिया में खुद को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं तो दैट कैन इवन लीड टू द अर्ली एक्सटिंक्शन। सिक्स्थ, नैरो रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो वाइड रेंज में नहीं रह सकते, मतलब दे आर वेरी चूजी, दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड, वी कैन से उनको एक पर्टिकुलर एरिया ही चाहिए, उनको कोई और एरिया नहीं चाहिए, उनको ये पर्टिकुलर खाना चाहिए, वो और कुछ नहीं खाएंगे, मतलब एक हिंदी में अगर कहते हैं जैसे नखरे वाले, ठीक है, तो दे आर वेरी मच स्पेशलाइज्ड, तो अक्सर ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म का एक्सटिंक्शन जल्दी हो जाता है बिकॉज दे आर वेरी चूजी। अगर एक ऑर्गेनिज्म को एक्सटिंक्ट लेट होना है तो दे हैव टू बी जनरलिस्ट, यानी उनको जनरल बेसिस पे वो लाइफ जी सकते हैं, वाइड वैरायटी ऑफ चीजों पे फीड कर सकते हैं, बट दे आर नैरो रेंज, बहुत
कम लेवल ऑफ चीजों को ये दैट इज एडॉप्ट करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं. ओके, सेवेंथ पॉइंट इज हाई स्पेशलाइजेशन. जैसे मैंने कहा हाई स्पेशलाइजेशन का मतलब हो गया नखरे वाले, ठीक है, कि हाँ ये खाना है तो यही खाएंगे, कोई और अल्टरनेटिव वो खा नहीं सकते हैं, कोई और अल्टरनेटिव जगह पे रह नहीं सकते हैं. तो दैट इज अबाउट द हायर स्पेशलाइजेशन एंड पुअर डिस्पर्सल रेट. यानी किसी भी एरिया में डिस्पर्स होकर स्टेब्लिश करने, खुद को स्टेब्लिश करने का जो रेट होता है वो उनका बहुत स्लो देखा जाता है. इसलिए किसी एरिया में अगर कोई खतरा आया तो वो जल्दी डिस्पर्स नहीं हो पाते हैं वहां से और उनका डेथ हो सकता है. तो दीज आर सम फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग दी ससेप्टेबिलिटी टू एक्सटिंक्शन. अगर ये पॉइंट्स या ये सारे के सारे फीचर्स किसी ऑर्गेनिज्म में होते हैं तो दैट ऑर्गेनिज्म इज हाईली ससेप्टेबल फॉर एक्सटिंक्शन एक्टिविटी. ओके, नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज प्लांट इंट्रैक्शन विथ इकोलॉजी. प्लांट का इकोलॉजी के साथ कैसा इंट्रैक्शन रहता है. फर्स्ट इंट्रैक्शन को हम बोलते हैं एपीफाइट्स. एपीफाइट्स क्या होते हैं. एपीफाइट्स एंड एपीफाइट्स इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द सर्फेस ऑफ प्लांट्स. ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ एपीफाइट्स एपीफाइटिक प्लांट आर एंजियोस्पर्म दैट इज फ्लावरिंग प्लांट. दे इंक्लूड मैनी स्पीसीज लाइक ऑर्किड हो गया, और भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स के यहाँ पे प्लांट्स के यहाँ पे नाम दे रखे हैं. इसके अलावा फर्न, मॉसिस, फर्न, लिवरवोट, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए एपीफाइट्स का. तो ये एपीफाइट्स होते क्या है. एपीफाइटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर अपने आप को डिपेंड करके ग्रो करते हैं, देन दूसरे प्लांट के सरफेस के ऊपर अपने आप को ग्रो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एपीफाइट्स. नेक्स्ट होता है एंडोफाइट्स. एंडोफाइट्स क्या होते हैं. एंडोफाइट्स आर ऑर्गेनिज्म ऑफन अ फंजाई एंड बैक्टीरिया दैट लिव बिटवीन द लिविंग सेल. ठीक है, तो एंडो नाम देखिए, एंडो यानी अंदर की तरफ, इनसाइड. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इनसाइड एरिया में रहते हैं. दैट इज जैसे कि हो गया फंजाई एंड बैक्टीरिया जो कि प्लांट सेल के अंदर रह सकते हैं, लिविंग सेल के अंदर. ठीक है, और जैसे कि हो गया द रिलेशनशिप दैट दे एस्टेब्लिश विद द प्लांट वैरीज फ्रॉम सिम्बायोटिक टू बॉर्डरिंग ऑन द पैथोजेनिक. और ये लाइक ये एग्जांपल किसी का भी हो सकता है, सिम्बायोटिक रिलेशन भी हो सकता है या फिर पैथोजेनेसिस का भी हो सकता है. नेक्स्ट आते हैं लिथोफाइट्स. दिस वाज द सेकंड वन, दिस इज थर्ड. लिथोफाइट्स, लिथोफाइट्स क्या होते हैं, वो प्लांट जो कि रॉक पे ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं लिथोफाइट्स. ठीक है, दोज दैट ग्रो ऑन द रॉक आर ऑल्सो कॉल्ड द एपीपेट्रिक पेट्रिक और दी दैट इज एपीलिथिक प्लांट. तो जो प्लांट्स रॉक पे ग्रो करते हैं उसे हम लिथोफाइट्स भी कहते हैं, एपीपेट्रिक भी कह सकते हैं एंड एपीलिथिक प्लांट्स भी कह सकते हैं. ओके, सो लिथोफाइट्स दैट ग्रो ऑन द लैंड फीड ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द रेन वाटर एंड नियर बाई डिकेइंग प्लांट इंक्लूडिंग देयर ओन डेड टिश्यू. तो लिथोफाइट्स का न्यूट्रिएंट सोर्स क्या बनता है, जो भी रेन वाटर होता है वो. इसके अलावा आसपास जो डिकेइंग प्लांट होता है उनका खुद का डिकेइंग टिश्यू जो होता है उसको वो एज अ न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करते हैं. फोर्थ आता है हेलोफाइट्स. हेलोफाइट्स क्या होते हैं. हेलोफाइट्स एक्चुअल में सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट होते हैं दैट ग्रो इन द सॉइल और वाटर ऑफ अ हाई सैलिनिटी कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट विद द सलाइन वाटर तो इट्स रूट और बाई अ सॉल्ट स्प्रे सच एज इन अ सलाइन सेमी डेजर्ट मैनग्रोव स्वैम्प्स एंड द मैरिसेस एक्सेट्रा. तो ऐसे प्लांट जो कि सॉल्ट टॉलरेट कर सकते हैं, हाई लेवल ऑफ सॉल्ट में वो ग्रो कर सकते हैं, ऐसे प्लांट को हम हेलोफाइट्स कहते हैं. तो देखिए प्लांट प्लांट तो आपने बहुत जगह सुन लिया तो आपको समझ में आ गया प्लांट इंटरैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखने वाली चीज है कि प्लांट किसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं. इवन प्लांट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ इकोलॉजी. तो अगर एक प्लांट दूसरे प्लांट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो दैट इज अ टाइप ऑफ अ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन. अगर एक प्लांट किसी रॉक के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो रॉक इज अगेन अ पार्ट ऑफ अ इकोसिस्टम. तो वो भी हो गया हेलोफाइट्स, यानी सॉइल, सॉइल में सॉल्ट ज्यादा है तो सॉइल से इंट्रैक्ट कर रहा है जहां पे सॉल्ट ज्यादा है तो अगेन दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इकोलॉजी. तो इस ढंग से हमने प्लांट इंट्रैक्शन, प्लांट का इंट्रैक्शन इकोलॉजी में कैसा होता है ये देख लिया. नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पोर्शन के साथ बात करेंगे रिगार्डिंग द इकोलॉजी. सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग.
नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चर सिर्फ या PhD का अरमान, हमारे पास है आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेद में, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेद में वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड WED20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। WED में, एजुकेटिंग WED में, एजुकेटिंग इंडिया।